दो घोड़ों का संवाद यदि ठीक से सुन लिया तो कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा अवश्य सुने। एक बार इंद्र और राजा बलि किसी स्थान पर गधे के रूप में समय काट रहे थे। इंद्र और बलि के बीच में कुछ बातें हो रही थी। उसी समय एक दिव्य स्त्री बलि के शरीर से निकल गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने घोड़ा के रूप में जो बलि महाराज थे उनसे पूछा, हे दानवराज, तुम्हारे शरीर से ये कौन स्त्री बाहर निकली है? यह कोई देवी मालूम पड़ती है। बलि ने कहा, हे देवेंद्र, इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता, ये कौन है? आप इसी से पूछिए कि ये स्त्री कौन है। तभी इंद्र ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और राजा बलि को छोड़कर तुम मेरी ओर क्यों आ रही हो? इस तरह इंद्र के पूछने पर वो स्त्री कहने लगी, हे देवेंद्र, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं अब तक राजा बलि के शरीर में बहुत दिनों से निवास कर रही थी और आज मैं असुर राज बलि को छोड़कर तुम्हारे पास आ रही हूं, क्योंकि मैं वहां रहती हूं जहां सत्य रहता है, जहां दान रहता है, जहां व्रत रहता है, जहां पराक्रम और धर्म रहता है। राक्षस लोग इस समय इन सब चीजों से विमुख हो रहे हैं। पहले ये राक्षस सत्वादी, जितेंद्रिय और ब्राह्मणों के हितैषी थे, इसलिए मैं इनके साथ थी। अब तो ये साधु पुरुषों से ईर्ष्या करते हैं, झूठे हाथ घी छूते हैं, अभक्ष भोजन करते हैं, धर्म की मर्यादा को तोड़कर मनमाना आचरण करते हैं। पहले ये उपवास और तप में लगे रहते थे, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागते थे और रात में कभी दही और सत्तू का भोजन नहीं करते थे। रात के आधे भाग में ही ये सोते थे। दीन, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी तथा बालक और स्त्रियों पर दया करते थे। उनके लिए अन्न और वस्त्र की व्यवस्था करते थे। व्याकुल, निराश, भयभीत, रोगी, दुर्बल, पीड़ित, जिसका सर्वस्व लुट गया हो, ऐसे लोगों की सहायता करते थे। पहले ये लोग बड़े बूढ़े लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उत्तम भोजन बनाकर अकेले नहीं खाते थे, सब प्राणियों पर दया रखते थे। निद्रा और आलस, अप्रसन्नता, दोषपूर्ण दृष्टि, अज्ञान, असंतोष और कामना, ये दुर्गुण इनके पास नहीं थी, इसलिए मैं इनके पास रहती थी। लेकिन अब इनमें ये सारे दोष आ गए हैं, धर्म को ये भूल गए हैं, ये सदा काम क्रोध के वशीभूत रहते हैं, बड़े बूढ़े ज्ञानी पुरुषों में दोष निकालते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं, व्रतजनों के सम्मान में उठकर खड़े भी नहीं होते, स्त्री पति की आज्ञा नहीं मानती, पुत्र पिता का कहा नहीं मानता, माता पिता, अतिथि, आचार्य और गुरुजनों का आदर नहीं करते, अपनी संतानों के लालन पालन पर ठीक से ध्यान नहीं देते। छोटे बालक टकटकी लगाए देखते ही रह जाते हैं और ये खाने की कोई चीज हो तो उसे अकेले ही खा जाते हैं। पशुओं को घर में बांधकर उन्हें चारा और पानी भी नहीं देते हैं। अब ये सूर्योदय तक सोते रहते हैं। रात दिन इनके घरों में कलह मची रहती है। अब इनके यहाँ वर्ण संकर संतानें होने लगी हैं। मूर्ख और विद्वानों को एक समान समझते हैं। शिष्य गुरुओं से सेवा करवाते हैं, पत्नियां पति पर शासन करती हैं, पुरुष स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं। ये सब के सब नास्तिक और पापाचारी बन गए हैं। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि अब इनके घर मैं नहीं रहूंगी। मैं लक्ष्मी दैत्यों का त्याग करके तुम्हारे पास आ रही हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए बंधु। इस तरह देवी लक्ष्मी राक्षसों को छोड़कर देवताओं के पास चली गई। कहते हैं, यौवन, जीवन, वित्त, छाया, लक्ष्मी, स्वामिता, ये छह चीजें बहुत चंचल होती हैं।
ये कभी एक स्थान पर अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती। यौवन आज तरुण है, कल वृद्ध हो जाएगा। जीवन आज सुखी है, कल दुखी हो सकता है। छाया अभी यहाँ है, थोड़ी देर के बाद कहीं और हो सकती है। धन आज तुम्हारे पास है, कल नहीं भी हो सकता है। लक्ष्मी आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास हो सकती है। स्वामिता आज तुम राजा बने बैठे हो, कल रंकवी हो सकते हो। आज किसी संपत्ति के मालिक आप हो, कल उसी संपत्ति का मालिक कोई और होगा। ये चलती रहती हैं, इनको अधिक समय तक अपने पास रोका नहीं जा सकता। इसलिए बंधु सही मार्ग का अनुसरण कीजिए। यदि हम सही मार्ग का अनुसरण करते हैं तो ये हमारे पास कुछ दिनों तक रह सकती हैं। मित्रों यदि वीडियो से वास्तविक आपने कुछ सीखा हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।